कौन होगा और कस्टमर कौन होगा आपका? आप टेक्नोलॉजी का फील्ड में समझ नहीं पा रहे लग रहा है। नहीं, थोड़ा सा मेरे को हार्ड पड़ रहा है क्योंकि मैं टेक्निकल बंदा हूँ। मैं आपको सरल भाषा में समझा, देखिए क्या है ना, जैसे कि 99 एकड़, magicbrick.com, ये सब तो आप जानते होंगे शायद। हाँ हाँ, ये सब वेबसाइटें हैं। हाँ, तो ये सारे के सारे क्या है, एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग अपने अपने वेबसाइट का एडवर्टीजमेंट डाल देते हैं। अच्छा, जैसे गूगल एड्स है ना। हेलो, नहीं नहीं आप थोड़ा समझिए, बहुत डिटेल में आप समझना पड़ेगा आपको। गूगल एड तो, गूगल एड तो एडवर्टीजमेंट हो गया। वो गूगल पे तब दिखता है जब आप कुछ सर्च करते हैं, तो गूगल के पार्टनर वेबसाइट्स होती हैं, उनकी वेबसाइटों पे दिखता है गूगल एड्स। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। गूगल पे कोई एड नहीं आता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैजिक ब्रिक पे खुद एड आता है। अच्छा, मैजिक, आप समझ रहे हैं, खुद हो मैजिक ब्रिक या 99 एकड़ जो है वेबसाइट। हाँ हाँ, वो एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ वो अमेज़न की तरह प्रॉपर्टी बेच नहीं रहे, आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आप उनके थ्रू पैसों का लेन देन नहीं कर रहे हैं। सही सही है, सही है। आपको कोई, आपने लिखा, आप गुजरात से मान लीजिए, तो आपने लिखा अहमदाबाद फ्लैट, आपने सर्च किया तो आपको एक 99 एकड़ का ऑप्शन आ गया, एक makaan.com का आ गया। बिल्कुल, आपने 99 एकड़ खोला तो उसमें आपको अहमदाबाद के बहुत सारी प्रॉपर्टीज दिख गई। हाँ, एकदम समझ, ये समझ गया मैं। और है, है। आप तो ये तो सब क्या है, ये वहाँ पे एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। 99 एकड़ जो है वो सिर्फ एडवर्टीजमेंट के लिए। सही, आप वहाँ से 99 एकड़ वालों का कोई लेना देना नहीं है कि ये प्रॉपर्टी सही है कि गलत है, कि आपका पैसा फंस गया। हाँ, ये सबसे उनका कोई लेन देन नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, उनका है कि आप अपने रिस्क पे कोई प्रॉपर्टी पसंद है, भैया खुद जाके बिल्डर से मिल लो, खुद ले लो। सही है, है ना, वो है सिर्फ एड एड। हाँ, एड जैसे पेपर में विज्ञापन आता है, तो वो रियल एस्टेट के एड के लिए है केवल। को मैं भी वहाँ पे रजिस्टर्ड करके अपनी प्रॉपर्टी बेच सकता हूँ। जी जी जी, बिल्कुल समझ गया आपकी बात। तो आप इसमें क्या करने वाले हैं? हम इसमें कुछ नहीं करने वाले हैं, हम इससे बिल्कुल विपरीत चीज बना रहे हैं। अच्छा। जैसे वो आप समझिए, दूसरी चीज अमेजन। अमेजन में जो भी आप सामान खरीदते हैं, वो सामान आप अमेजन से खरीदते हैं, पैसा आप अमेजन को देते हैं। बिल्कुल, है ना। वो सामान भले लक्स कंपनी का हो चाहे वीनस का हो, फिर अमेजन जो है उन कंपनियों को पैसा देता है, आप नहीं देते हैं। बिल्कुल हाँ, उसके पास आता है तो पेमेंट। हाँ, आपको वो सामान अमेजन के द्वारा मिलता है, सामान ना पसंद आने पे वापसी भी अमेजन लेता है। बिल्कुल हाँ, उसके बाद का जो हिस्सा है वो हम लोग को नहीं दिखता है कि अमेजन उन लोग को पैसा कैसे दे रहा है, कितना कमीशन काट रहा है। सही बात है। क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो सब अमेजन के काम हो गया है। हाँ, तो अमेजन हो गया मार्केट प्लेस। सही बात है। तो हम लोग प्रॉपर्टी का एक मार्केट प्लेस बनाना चाह रहे हैं। लेकिन वो तो जहाँ पे आदमी आके खरीदे, एकर पहले से कर रहा है। फिर नहीं, आप फिर नहीं समझे। आप वर्गीकृत समझते हैं? वर्गीकृत, हाँ वर्गीकृत समझता हूँ मैं। वर्गीकृत क्या हुआ, वर्गीकृत मॉल तो हुआ नहीं। नहीं, मॉल तो नहीं हुआ उसमें, है ना। वर्गीकृत में आपको सिर्फ विज्ञापन दिख रहा है कि ये मकान बिक रहा है। हाँ, आप दैनिक जागरण में अगर वो पेपर में छप के आएगा, तो आप दैनिक जागरण वालों को फोन करके कहेंगे कि हम कोई प्रॉपर्टी दिलवा दो? ना ना, बिल्कुल नहीं। जिसका नंबर उसमें पड़ा होगा आप उसको फोन करेंगे ना? हाँ, उनको ही फोन करो। 99 एकड़ में ये होता है। अच्छा, अमेजन में क्या होता है, आप अमेजन पे सीधे जाके प्रॉपर्टी वो ऑर्डर करते हैं ना सामान। और अमेजन वाले रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस प्रोडक्ट को डिलीवर करना। हाँ, दोनों में डिफरेंस आप समझे अब? हाँ बिल्कुल समझ गया। एक सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। हाँ, दूसरा आपको सामान दे रहा है। हाँ बिल्कुल। तो हम लोग प्रॉपर्टी का अमेजन बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, ये दोनों को क्या कहते हैं इसमें, जैसे मान लीजिए 90 एकर्स को क्या कहेंगे? 99 एकड़ हो गया एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म। अच्छा, एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म। और अमेज़न हो गया मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस, बिल्कुल। हाँ सही है, बिल्कुल समझ गया एकदम। तो हम लोग प्रॉपर्टी का मार्केट प्लेस बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, तो आपको मान लीजिए अहमदाबाद में प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो आपने हमारी वेबसाइट खोली, उसमें अहमदाबाद क्लिक किया, तो आपको अहमदाबाद का नक्शा दिख गया। सही है। प्रॉपर्टी आदमी ऐसे तो लेता नहीं कि कहीं भी ले लेंगे। हाँ, उसको एक लोकेशन पे लेता है कि हमको ये फला मोहल्ले में चाहिए, फला रोड पे चाहिए, हमको कोई ऐसा नहीं लेता कि कहीं भी दे दो। सही बात है।
तो आपको अहमदाबाद का नक्शा दिख गया, अब आपने नक्शे में रेट देख लिए कि इस एरिया का रेट 5,000 है, इस एरिया का रेट 7,000 है, इस एरिया का 8,000 है, सही। तो फिर आपको समझ में आया कि हाँ भाई हमको 1,000 स्क्वायर फीट लेना है, ये 8,000 वाला महंगा पड़ेगा, ये 5,000 वाला हमारे बजट का है। बिल्कुल। तो आपने उस एरिया पे क्लिक कर दिया, फिर आपको उस एरिया के अंदर की प्रॉपर्टी दिखने लगी। बिल्कुल। और वो जितनी भी प्रॉपर्टी रहेंगी उनकी सेल परचेज रजिस्ट्री सारी हमारी कंपनी करेगी, बिल्डर नहीं। ऐसा? हाँ बिल्कुल, अमेजन की तरह। कि आपने वो प्रॉपर्टी पसंद कर ली तो उस प्रॉपर्टी की विजिट कराना, उस प्रॉपर्टी के लिए होम लोन कराना, उस प्रॉपर्टी के कागज वगैरह सारा हमारा काम रहेगा। अच्छा जी, ओके। तो ये फिलहाल अभी कोई प्रॉपर्टी में नहीं कर रहा है, वो हम लोग करना चाहेंगे ना। एक तरह से लीगल कमिटी आपकी रहनी चाहिए। बिल्कुल, हमारे दो पार्टनर हैं, एक मैं हूँ, एक मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ हाई कोर्ट में लॉयर है। ओके, अच्छा। हाँ, तो हमारा लीगल पार्ट काफी स्ट्रांग है, इसलिए हम लोग कोई भी बिल्डर से टाई अप तब करते हैं जब हम उनके सारे लीगल पेपर वगैरह अपने एंड पे खुद चेक करवा लेते हैं, ताकि बाद में इशू ना हो। हाँ, और दूसरा एक और तरीका है कि जो हम अपनी वेबसाइट में जिसके लिए हम लोग फंडिंग के लिए लगे हुए हैं, वो इसलिए क्योंकि जैसे आपने कोई चीज वेबसाइट पे अपलोड की तो क्या होता है, नॉर्मली ओटीपी जनरेट हो गया। हाँ बिल्कुल, वेरिफिकेशन का एक तरीका। हाँ, कि भाई आपने अपने मोबाइल में नंबर आया तब आपने वो डाला, तो ये हो गया कि भाई जो ये मोबाइल बंदा यूज कर रहा है इसी ने चढ़ाया है। बिल्कुल, बट वो लीगल कहीं नहीं स्टैंड करता है। सही बात, लीगल उसकी कोई लीगल स्टैंडिंग तब होती है जब वो ई आधार वेरीफाई हो। हाँ, और ई साइन हो। ई आधार वेरीफाई हो, ई साइन हो, जी। ओके, तब होता है। अब आप जैसे सोचिए कि आज से 20 साल पहले जो है आदमी जाता था रेलवे स्टेशन पे टिकट कराने। बिल्कुल, अब घर बैठे कर देता है। हाँ हाँ, सही बात है। और तो हम लोग प्रॉपर्टी में भी यही चीजें लाना चाह रहे हैं। अच्छा, कुछ कि अगर बिल्डर कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन चढ़ा रहा है वेबसाइट पे, तो उसको अपने आधार से वेरीफाई करना पड़ेगा, मोबाइल से नहीं। कि कल को कहते मोबाइल तो कोई भी यूज कर रहा था, हम क्या जाने। सही बात है, बिल्कुल। तो वो ई आधार जो भी चीज वेरीफाइड होती है वो लीगली बाइंडिंग होती है उनके लिए। अच्छा, ये जो आधार कार्ड है, ये ई आधार कार्ड वही है ना चीज? मतलब जी जी, वही वही कर दो। हाँ हाँ, वो नहीं, ऑलरेडी ही आपका आधार, सब सबका आधार जो है वो ई आधार है, सबका है। अच्छा, आप हार्ड कॉपी लिए घूम रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कभी कहीं आपको जरूरत पड़े जहाँ आप हार्ड कॉपी नहीं भेज सकते, डिजी लॉकर, तो उनको आप अपना, हाँ, अपना आधार नंबर दीजिए, वो आधार नंबर डालेंगे, आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा डिजी लॉकर से, वो डाउनलोड कर लेंगे। बिल्कुल सही बात है। और ये ई साइन क्या है? ई साइन ई आधार के थ्रू ही होता है। अच्छा, मतलब ई सिग्नेचर कर दिया मैंने नंबर। हाँ, ई सिग्नेचर, वो भी मतलब वही समझिए ओटीपी बेस पे होता है। बिल्कुल सही बात। ये एक ओटीपी आया, वो ओटीपी आपने प्रोवाइड किया। हाँ, तो वो ई साइन मान लिया जाता है। तो ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है ना? जी जी, ये कुछ कंपनियां हैं जो ऑलरेडी कर रही हैं। अच्छा, और उन कंपनियों से सीए सबसे ज्यादा अभी एट प्रेजेंट यूज कर रहे हैं इसको। अच्छा, लेकिन डीएससी बनाते हैं ना, डिजिटल सिग्नेचर। हाँ हाँ हाँ, तो वो डीएससी क्या है? डिजिटल सिग्नेचर है, डीएससी सिग्नेचर। हाँ बिल्कुल। तो फाइलिंग वाइलिंग में सब जगह कहीं साइन तो कराते नहीं हम लोगों से वो लोग। क्या करते हैं, डीएससी लगा देते हैं। सही बात है, डीएससी लगा देते हैं। बस जी, तो ये मतलब अभी स्टार्टिंग की चीजें, अभी कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हुआ ऑल ओवर वर्ल्ड। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बना ले जाए। बिल्कुल यूनिक आइडिया है। तो इसी, हाँ, इसी के लिए हम लोग फंडिंग के लिए लगे हुए हैं, क्योंकि इसको प्रोजेक्ट को बनने में काफी मेहनत है, काफी फंड की जरूरत है। अच्छा, एक तरह से आइडिएशन लेवल पे हो ना आप लोग? जी जी, आइडिएशन लेवल पे हैं। हाँ, तो जैसे ब्लॉकचेन का रोल क्या रहेगा एक्चुअली? ब्लॉकचेन, देखिए ब्लॉकचेन का रोल ये है कि ब्लॉकचेन का मेन काम होता है लेजर बनाना। हाँ, एक तरह से खाता भाई का काम कर दे। हाँ, लेकिन नॉर्मल लेजर में क्या दिक्कत आती है कि भाई वो एक आदमी के पास है या एक कंप्यूटर पे है, किसी ने भी गया छेड़ा छाड़ी कर दी। सही है, बिल्कुल। ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड होता है। हाँ, वो मतलब किसी, वो कई सारी जगहों पे वो एंट्रीज होंगी, आप एक जगह एंट्री में अगर फेर बदल करोगे तो वो डुप्लीकेट दिख जाएगी। बिल्कुल। तो प्रॉपर्टी के लेन देन में सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है वो प्रॉपर्टी की डिटेल्स की कमी।
जो है वो सबसे बड़ी होती है।